हेलो गाइस, परम अनुराग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए सरकार के ब्रिज फाइट सीन का रिएक्शन, जो कि थलपति विजय जी और कीर्ति सुरेश की ब्लॉकबस्टर मूवी। और इसको डायरेक्ट किया है यार मुरुगदास जी ने, जो आपको पता है कितने जबरदस्त डायरेक्टर हैं। और उनकी और विजय जी की पेयरिंग कितनी जबरदस्त, और ये मूवी कितनी जबरदस्त हिट गई थी। और इसके सीन्स का आप लोग कब से हमें बोल ही रहे थे, तो इसके सीन अभी ये मूवी सन नेक्स्ट पे आ गई है, तो उसके बाद से हम लोग आपके सामने लेके आ गए। बिल्कुल। और इसके फाइट मास्टर की बात की जाए तो वही मान फाइट मास्टर राम लक्ष्मण चेला जी, तो उनकी तो फाइट नेक्स्ट लेवल होती है, तो इसमें भी वही नेक्स्ट लेवल फाइट देखने को मिलेगी। और मेनली मैं तो वही वेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो, मतलब जो हमने ट्रेलर में सीन देखे थे, लाइक वो चेयर वाला सीन और लाइक इनकम खाने वाला, हाँ ऐसा कुछ सीन्स अगर देखने को मिल जाएगा, वो इतना फेमस सीन है, लाइक लोग कह रहे हैं ब्रिज फाइट सीन, ब्रिज फाइट सीन, तो उसमें कुछ तो बड़ी चीज होगी, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि वीडियो को स्पॉन्सर किया है राजा रानी चोर पुलिस ऐप ने, लाइक वो एक गेम है, बहुत जबरदस्त गेम है, हम लोगों ने भी खेल के देखा, आप लोगों भी खेल के देखिएगा, क्योंकि मेनली वो हमारे चाइल्डहुड गेम है, लाइक हमने जो लूडो कैरम ये सब खेली हुई है, तो उसके रिलेटेड ये भी गेम हमने राजा ने चोर पुलिस खेली हुई। चिट बना बना के हम खेलते थे, हाँ, कि वो राजा के 400 रुपए, इसके 300 रुपए। तो अब तो हमारे पास लाइक लोग अब बहुत डिजिटलाइज हो गए और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, सारे फोन्स में गेम यूज करते हैं। तो आप ये जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इसको देखिएगा गेम कैसी है, कि बहुत जबरदस्त गेम है। और इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये ऑडी किसकी? विजय जी है। वाह, कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई मेट्रो रेल। फसाया गया इनको, और वो कोई बड़ी एम्बुलेंस को फॉलो कर रहा था ऐसा लग रहा था। एम्बुलेंस थी, पता नहीं कोई बस थी। ओके, पर ब्रिज तो ऊपर है ना, नीचे ब्रिज के नीचे अंडर ब्रिज फाइट सीन होगा। क्या मालूम ऊपर भी चढ़ जाए, लड़ते लड़ते कोई भरोसा ही नहीं। हाथ तो लगा, मत लगा, पहले ही बोल रहा हूँ बच्चे को देखना। सही है। आई एक्सपेक्टेड यही होने वाला है, और मुझे था कि वो तो बच्चा मार देगा। वो क्या बात है, कैसा आराम से मूवमेंट लिए इन्होंने। ओ बाप रे, ग्रेट। और काइंड ऑफ कीर्ति सुरेश ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही है ऐसा लग रहा है। जोरदार, ये तो अपने ट्रेलर में कॉर्पोरेट मॉन्स्टर है, ऐसा फाइट वगैरह एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा किसी ने। वाह, ये बहुत जोरदार है। क्या बात है, बहुत स्लोली बनाया गया पूरा सीन, एक एक मार को फोकस मिला है। वाह, जोरदार। वाह, धुआं कितना मस्त लग रहा है। कोई भाग चढ़ रहा है, कोई भाग रहा है, जाने दो उनको, मत मारो। आगे ना ऊपर ब्रिज फाइट हो गई अब। अरे तो उधर से, इधर कहां से आ गए? वाह,
एक बच गया कि नहीं। बहुत ही पावर फाइट सीन था, लाइक वो जो फाइटिंग चल रही थी, और मेनली मेरे को ये अच्छा लगा कि लाइक नॉर्मली फाइट सीन के साथ ठट 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 कंटिन्यूस इधर मार रहा उधर मार रहा ये वाला वो रहा, यहाँ पे एक एक मतलब किक को एक एक मुक्के को एक एक धक्के को फोकस किया गया, लाइक उनके पीछे भाग रहे हैं उस पर फोकस, विजय जी अगर एक आगे निकल आ रहे हैं तो उस पर फोकस, तो हर एक चीज पे एयर मोटर्स ने बहुत अच्छे से फोकस किया हुआ था। और लाइक उनका राम लक्ष्मण छेला जी जो उन्होंने फाइट डायरेक्ट की थी वो बहुत जबरदस्त डायरेक्ट की थी, लाइक वो मेनली क्या जैसे था कि हर एक प्रॉप का यूज किया गया, लाइक वो डंडे का यूज करना, फिर उनको डंडे पे फेंकना, फिर एक वो थोड़ा सा मतलब दुपट्टा का चीज थी वो उड़ाना, फिर वो धुआं पीछे उड़ना, तो वो हर एक पूरा वो जो ब्रिज के अराउंड जो भी चीजें अवेलेबल थी ना सब चीज का बहुत अच्छे से यूज किया गया, लाइक है ना। और मेनली जो स्लो मोशन का यूज किया जा रहा है कि है ना, जैसे जो भी अपने तमिल इंडस्ट्री देख लो या साउथ इंडियन इंडस्ट्री में जो भी फाइट सीक्वेंस देखते हैं ना, उन सब में ना स्लो मोशन का मतलब अलग ही लेवल पे यूज किया जाता है। लाइक जिस तरीके से तुमने बताया, एक तो धुआं उड़ना, धुआं के साथ साथ उनका भागना, कैमरा एंगल वो लेना जो तुम्हें दीवार की साइड से दिख रहा है और उसके अंदर उनका ऐसा फोकस दिखाना, धीरे धीरे भाग रहे च्युइंगम खा रहे उसको एकदम अच्छे से स्लो मोशन में दिखाना, जैसे इनके टी शर्ट पे या शर्ट पे वो धुआं लगी तो उसको उड़ाते हुए अच्छे से दिखाना, तो ये काइंड ऑफ स्लो मोशन का यूज किया गया है। और जिस तरीके से प्रॉप्स यूज किए गए और जिस तरीके से फाइट बनाई है, तो ऑल इन ऑल लाइक ऐसा देखा जा रहा है कि है ना, ये मतलब कोई भी बैठ के इसको आराम से जज कर सकता है कि इसका ये मुक्का इसने इस तरीके से मारा है, ये इसने इस तरीके से मारा है। और फिर बीच बीच के अंदर वो लाइक बच्चों के और कीर्ति सुरेश के जो थोड़े बहुत फनी सीन्स आ रहे थे उससे लाइक एकदम फाइट अपने को है ना वो लाइक एकदम पकड़ के बैठा के रखी थी कि हाँ पूरी फाइट को देखो। वही उसमें तीन चीज देखो, फाइट था, फिर उसमें कॉमेडी सीन्स था, साथ में जो एक बोलते हैं ना काइंड ऑफ एक सुपरस्टार को दिखाने वाला सीन था, वो तीन टाइप ऑफ ऐसे उसमें रखे थे। एक तो वो शॉर्ट वाला जो उसने शॉर्ट ऐसे की तो वो एक सीन था जिसमें लगता था हाँ एक सुपरस्टार मार रहा है, और फिर चिंगम, फिर वो चिंगम वाला था कि वो जैसे चिंगम की था वो उनके एक परसोना बनाने के, और थर्ड वो था जो सुल्तान काइंड ऑफ उठा के अपने वो कंधे पे रखा, कितने फास्ट उन्होंने किया वो लाइक समझ भी नहीं है कि कैसे। वो ट्रेलर में भी देखा था, ट्रेलर में जो मेनली दो देखे थे वो दो तो इसमें आ ही गए, तो वो बहुत जबरदस्त लगा था। ऐसे क्या होता है, एक तो फाइट नॉर्मली होती है पर तुम्हें एक डिस्टिंक्शन लानी होती है फाइट में, जैसे रजनीकांत जी की फाइट हो तो उसमें फट उसमें वो चश्मा का दिखाना, तो वो सब चीजों पे फोकस करने से क्या होता है वो एक अलग ही लेवल पे ले जाता है वो फाइट को। और ऊपर से है ना विजय जी को देख ऐसा लग रहा था कि कोई टेंशन ही नहीं है, वो स्टार्टिंग में बच्चे को बोल रहे कि हाँ ले मारना ले मार, हाथ लगा के दिखा, हाथ लगाते ही जो फट करके उसको जो जबरदस्त मारा, लाइक पूरे टाइम पर इनके कोई मुंह पे शिकन नहीं आना कुछ नहीं आना। और ऊपर जब लाइक जब लास्ट फाइट हो रही थी लास्ट बंदे को मारा उसमें भी मार के आराम से नॉर्मल अपनी शर्ट सही करे और आराम से खत्म बैठ के, तो लाइक कोई भी इनको टेंशन नहीं, आराम से मजे मजे से मार मार के उनको खत्म कर दिया। वही पूरा सीन बहुत जबरदस्त लगा था, आपको एक ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आपको इस मूवी का रिव्यू देखना तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर आपको हमारे रिव्यूज और रिएक्शन अच्छे लगे तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे पेटीएम और पेट्रोन की लिंक्स के आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।